प्रशांत किशोर का एक बार फिर जो है वो अपना वापसी का दौर शुरू कर रहे हैं। वो एक बार फिर ये खबर आ रही है कि वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे और वो कुछ राजनीतिक नया जो समीकरण तैयार करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, एक शेर है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का अमीर था। तो प्रशांत किशोर, हालांकि भाजपा से उन्होंने शुरुआत की, अगर देखा जाए तो बाकायदा यानी हाईलाइट जब हुए मोदी के ताल्लुक से हुए थे, और उसके बाद फिर जेडीयू में उपाध्यक्ष भी रहे जेडीयू के, और अब वो जब कांग्रेस में बात नहीं बनी तो अब वो एक बार फिर जेडीयू की तरफ मुड़े हैं, वो नीतीश कुमार की तरफ गए हैं। और नीतीश कुमार अभी जो, चूंकि बिहार में एक बदलाव की बात चल रही, तो मुझे लग रहा है कि अब नीति अब चूंकि उन्होंने, प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं बिहार के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर रहा हूं, तो ऐसे में जाहिर है कि वो नीतीश कुमार के पास जाएंगे, कोई रणनीति बनाएंगे। और नीतीश कुमार भी अब समझ रहे हैं कि बाहर निकलना है तो किस तरीके से निकलेंगे, बीजेपी के सहारे होकर के ये उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, या फिर 27 यानी 24 में वो प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेचर होंगे और उसके लिए पूरा माहौल बनाएंगे प्रशांत किशोर, या ये होगा। ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार सरकार थमाते हैं तेजस्वी को और ये कहते हैं कि हम अब सेंटर की, मरकज की सियासत करेंगे, तो अगर इस तरीके की कोई चीज नीतीश कुमार करते हैं तो जाहिर है कि फिर उसमें ये जो प्रशांत किशोर है वो अहम रोल अदा कर सकते हैं। और हो सकता है कि नीतीश कुमार से बात हो गई हो और ये भी हो गया हो कि नीतीश कुमार तैयार हो गए हो कि हम आपको राज्यसभा पहुंचाएंगे, और राज्यसभा पहुंचाने की गरज से हो सकता है प्रशांत किशोर वहां गए हो, और ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर के और दहने मंसूबा हो, उनको लगा हो कि अगर कोई बेहतर तौर पर आ सकता है, क्योंकि इससे पहले वो ममता बनर्जी के लिए बैटिंग कर रहे थे, फिर उन्होंने शरद पवार के लिए भी आना जाना शुरू किया, फिर कांग्रेस की तरफ हुआ है कि कांग्रेस में भी कोई ओहदा चाह रहे थे, कांग्रेस ने उनको दिया नहीं या उन्होंने लिया नहीं, अब जिसकी भी बात मान लीजिए, लेकिन अब वो कांग्रेस से अलग हट करके और एक बार फिर वो नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं। नीतीश कुमार से वो बात करेंगे, या हो सकता है बात हो गई हो, और उसके बाद किस तरीके की तैयारी होगी, किस तरीके की सियासत करेंगे, जाहिर है कि अब खुली किताब है। लेकिन कांग्रेस में प्रशांत किशोर अगर चले भी जाते तो बहुत दिन तक नहीं रह सकते थे, क्योंकि कांग्रेस में खुद ही जो है वो सियासी शऊर के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो सलमान खुर्शीद जैसे आदमी हो, गुलाम नबी आजाद रहे हो जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर रहे, कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, कई जगहों के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रहे, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हों जो इस वक्त राज्यसभा में अपोजिशन लीडर है, मंत्री थे, संगठन चलाना जानते हैं, शशि थरूर का कोई जवाब नहीं है, और भी मुकुल वासनिक हों, और भी नाम जो है वो लिए जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सूरत हाल इस वक्त बन रही है, और प्रशांत किशोर, जाहिर है कि प्रशांत किशोर यहाँ पे उनका रहना बहुत मुश्किल, आसान नहीं था, मुश्किल था, और इसीलिए वो अब बिहार गए हैं और नीतीश कुमार के पास गए, और मुझे लग रहा है कि वहाँ बात जो है काफी हद तक बन जाएगी, वो जो है वहाँ रह करके हो सकता है कि कुछ कर ले, और राज्यसभा अगर चले गए तो राज्यसभा जाने के बाद जाहिर है कि वो नीतीश कुमार के साथ ही काम करेगा। बहरहाल जो भी है, लेकिन फिलहाल जो है वो ये कि प्रशांत किशोर ने बहुत वादे तौर पर चीजों का ऐलान कर दिया। जय।